आइए श्रृंगार का वो स्वर जिसने कमाल किया है, जिसका स्वर भी है, कंटेन भी है, शब्द भी हैं, लाइनें भी हैं, आइए एक बार जोरदार तालियां बजा करके व्याख्या मिश्रा जी को आवाज दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए व्याख्या। कमाल है यार, इतना टाइम चल के आया। नहीं नहीं अभी चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए। हाँ व्याख्या जी। पुनः प्रणाम करती हूँ आप सभी लोगों को। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे, हम सारे कवि यही चाहते हैं कि हमारा जल्दी नंबर आ जाए, हमारा जल्दी आए नंबर पढ़ने का कह रहे, और कोई नंबर नहीं चाह रहे हैं। सुंदरानी जी दो अर्थ निकालते हैं हर चीज़ का, तो हर कवि ये चाहता था कि हमें भी जल्दी अवसर मिले। और लेकिन चलिए, जब जिसका जहाँ पे उन्हें उचित लगा उन्होंने बुलाया सबको। कुछ पंक्तियाँ मैं भगवान राम के चरणों में रखती हूँ, यहाँ से काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। स्वागत। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। दो छंद मैं रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागतम। कि वैभवों का मोह छोड़ तोड़ बन गमन से, कि वैभवों का मोह छोड़ तोड़ बन गमन से, राज धर्म जग को सिखाने राम आते हैं। वैभवों का मोह छोड़ तोड़ बन गमन से, राज धर्म जग को सिखाने राम आते हैं। अब महलों के द्वार सज धज के खड़े, परंतु कुटियों में धूनी को रमाने राम आते हैं। महलों के द्वार सज धज के खड़े, परंतु कुटियों में धूनी को रमाने राम आते हैं। अब तंत्र सिद्धि न सिद्ध राम हो सके हैं, मंत्र विद्धि सिद्धि से न सिद्ध राम हो सके हैं, केवट से चरण धुलाने राम आते हैं। योगी ज्ञानी ध्यानी ज्ञान से न राम पा सके हैं, योगी ज्ञानी ध्यानी ज्ञान से न राम पा सके हैं। शबरी के झूठे बेर खाने राम आते हैं, शबरी के झूठे बेर खाने राम आते हैं। और राम कैसे आएंगे, एक छंद और रखती हूँ, आपने बहुत आशीर्वाद दिया, सुनिए। कि राम यूं ही आते नहीं, राम को भुलाने हेतु जग में जटायु जैसा इतिहास चाहिए। कि राम यूं ही आते नहीं, राम को भुलाने हेतु जग राम यूं ही आते नहीं, राम को भुलाने हेतु दशरथ के प्रताप का प्रकाश चाहिए। और नारियों की राज काज हेतु रण का प्रतीक, नारियों की लाज काज हेतु रण का प्रतीक जग में जटायु जैसा इतिहास चाहिए। और अंगद के दृढ़ प्रण में रचे बसे हो नाथ, अंगद के दृढ़ प्रण में रचे बसे हो नाथ, हनुमान जी में राम का निवास चाहिए। और पत्थरों में प्राण राम डाल तो जरूर देंगे, पत्थरों में प्राण राम डाल तो जरूर देंगे, अहिल्या के जैसा ठोस विश्वास चाहिए, अहिल्या के जैसा ठोस विश्वास चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या कार्यक्रम हुआ है उपजा को, बहुत 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 अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा, और मेरे अच्छा, मेरे ये समझ नहीं आ रहा सुंदरानी जी, मैं श्रृंगार सुनाऊं कि मैं अंगार सुनाऊं, आप लोग जैसा मुझे बताएं, क्योंकि मुझे लगा आप वीर रस भी बहुत अच्छा सुनते हैं। और मैं दो दो मिनट अपनी प्रस्तुति दे देती हूँ, कुछ पंक्तियाँ श्रृंगार के रख के और अंगार से समापन कर देती हूँ, दोनों ताकि हमारी दोनों उपस्थिति हो जाए मंच पे, सुनिएगा। स्वागतम। मैं श्रृंगार की पंक्तियाँ रखती हूँ और आप लोग जितने भी लोग खामोश हैं, एक शब्द बेरुखी आएगा तो बेरुखी का मतलब यही होता है ताली वाली न बजाना, पढ़ती हूँ सुनिएगा। स्वागत। बेरुखी अपनिए मुझको ना दीजिए, बेरुखी अपनिए मुझको ना दीजिए, इस तरह कोई कब तक मरे या जिए, इस तरह कोई कब तक मरे या जिए, ढाई अक्षर की है जिंदगी है मेरी, ढाई अक्षर की है जिंदगी है मेरी, मैं गजल हूँ मुझे गुनगुना लीजिए, मैं गजल हूँ मुझे गुनगुना लीजिए। और श्रृंगार की चार पंक्तियाँ आप लोग अगर साथ नहीं देंगे उन कवियों का, तब क्या स्थिति होगी सुनिएगा। पूरी तस्वीर मोहब्बत की बनाऊं कैसे,
पूरी तस्वीर मोहब्बत की बनाऊं कैसे, कर्ज अश्कों से जमाने का चुकाऊं कैसे, कर्ज अश्कों से जमाने का चुकाऊं कैसे। मेरी आवाज में तू है ये लोग कहते हैं, मेरी आवाज में तू है ये लोग कहते हैं। तू मेरे साथ नहीं है तो मैं गाऊं कैसे, तू मेरे साथ नहीं है तो मैं गाऊं कैसे। और ये मुक्तक आप सबको समर्पित करती हूँ, आप लोग बहुत मन से, शायद आप कवि सम्मेलन में ये कवि सम्मेलन भूल जाएं, लेकिन मुझे न भूलें इसलिए मैं। त्रिपाठी जी अभी आप ही की बात हो रही थी, मैं चार पंक्तियां और रखती हूँ, आप कहीं जाइए मत तिवारी जी। मेरी हर सांस तेरे नाम को दोहराएगी, सुनिएगा मेरी हर सांस तेरे नाम को दोहराएगी, मेरी हर सांस तेरे नाम को दोहराएगी, मेरी हर सोच तेरे प्यार तलक जाएगी। आई माँ तोड़ भी दे तो हर एक टुकड़े में, आई माँ तोड़ भी दे तो हर एक टुकड़े में, तुझको बस मेरी ही तस्वीर नजर आएगी, तुझको बस मेरी ही तस्वीर नजर आएगी। हाय 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 हाय, क्या बात है क्या बात है। और चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ, बार बार ये जो आना जाना आप लोग बुला लेते हैं प्यार से, मैं प्रेम नहीं कहूंगी मैं प्यार कहूंगी। त्रिपाठी जी क्या मुस्कुराए हो आप, इस प्यार में प्यार से आप लोग बुला लेते हैं, ये प्रेम का प्रेम है। तो क्यों आना जाना होता है सुनिएगा। स्वागतम। हम तो आकर या जाकर तेरे हो लिए, हम तो आकर या जाकर तेरे हो लिए, गीत गाकर सुना कर तेरे हो लिए, गीत गाकर सुना कर तेरे हो लिए। हमने सा हमने तेरी अमानत तुझे सौंप दी, हमने तेरी अमानत तुझे सौंप दी, अब तू हाँ कर या ना कर तेरे हो लिए, अब तू हाँ कर या ना कर तेरे हो लिए। और क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों से सुनिएगा। स्वागत। डूब जाऊं मैं नाव बन जाइए, डूब जाऊं मैं नाव बन जाइए, मेरे मरुथल के हित छाँव बन जाइए, मेरे मरुथल के हित छाँव बन जाइए। जिंदगी जी सकूं मैं जहाँ चैन से, जिंदगी जी सकूं मैं जहाँ चैन से, मेरे सपनों का वो हो गाँव बन जाइए, मेरे सपनों का वो हो गाँव बन जाइए। और एक गीत का पढ़ती हूँ जिसका शीर्षक है, मैं किसी से प्यार न करती तो क्या करती। मैं उसको गजल तो नहीं कह सकती हूँ लेकिन गजल नुमा ही है, और आप लोग प्यार से सुन लीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा। क्या बात है। किसी से प्यार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती, मैं जान सार न करती तो और क्या करती, मैं जान सार न करती तो और क्या करती। और पंक्तियां रखती हूँ सुनिएगा। ये उसका वादा था आएगा लौट कर एक दिन, ये उसका वादा था आएगा लौट कर एक दिन, ये उसका वादा था आएगा लौट कर एक दिन, मैं इंतजार न करती तो और क्या करती, मैं इंतजार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती। और जब दो चाहने वाले अपनी बात स्पष्ट कह नहीं पाते एक दूसरे से, तब
क्या स्थिति होती है सुनिएगा। मैं जान निसार न करती तो और क्या करती, वो मेरा प्यार था कुछ भी न कह सकी उससे, वो मेरा प्यार था कुछ भी न कह सकी उससे, वो मेरा प्यार था कुछ भी न कह सकी उससे, कबूल हार न करती तो और क्या करती, कबूल हार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती। और हम कभी लोग कबूल हार न करती तो और क्या करती, आप ही दे दीजिए। हाँ आप दीजिए, लिफाफा वहीं फंसा था, कबूल हार न करती तो और क्या करती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जान इशार न करती तो और क्या करती। और जब हम प्यार में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, आप लोग बुला लेते हैं, तब पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत व्याख्या। मैं जान निसार न करती तो और क्या करती, मैं सोहनी थी माही वाल। आप लोग थोड़ा सुन लीजिए क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जाने वाले हैं यहाँ से। मैं सोहनी थी माही वाल से मिलने के लिए, मैं सोहनी थी माही वाल से मिलने के लिए, मैं सोहनी थी माही वाल से मिलने के लिए, नदी को पार न करती तो और क्या करती, नदी को पार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती। ये जानती थी कि झूठा है। सुंदरानी जी, अरे ये पंक्तियाँ आपको मैं समर्पित करती हूँ, आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं और संचालन में बहुत कुछ झूठ बोला जाता है। ये जानती थी कि झूठा है झूठ पर उसके, ये जानती थी कि झूठा है झूठ पर उसके, ये जानती थी कि झूठा है झूठ पर उसके, मैं ऐतवार न करती तो और क्या करती, मैं ऐतवार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती, थी उसके प्यार में पागल तो अपनी दामनी को, थी उसके प्यार में पागल तो अपने दामनी को, थी उसके प्यार में पागल तो अपने दामनी को, मैं तार तार न करती तो और क्या करती, मैं तार तार न करती तो और क्या करती, किसी से प्यार न करती तो और क्या करती। क्या बात है क्या बात है। ये मैंने अपना 5 मिनट में श्रृंगार पूरा कर दिया और मेरा मन जो मैंने कभी यहाँ नहीं पढ़ा है, थोड़ा अंगार पढ़ने का मेरा मन है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। एक गीत वीर रस का देशभक्ति के पढ़ के जाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भूमिका है, कुछ लोगों ने बड़ा देशभक्ति पर प्रश्न उठाए थे, मैं एक नुक्ता पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। हमारे स्वर उठे तो देश के यश गान को जाएं। आपने सुना होगा एक शायर जिसको हम हिंदी मंचों पे बहुत सम्मान से बुलाया गया, लेकिन उसने जब भी टीवी पर बोला तो जहर ही उगला। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। हमारे स्वर उठे तो देश के यश गान को जाएं, हमारे स्वर उठे तो देश के यश गान को जाएं, हमारी प्रार्थनाएं देश हित भगवान को जाएं, हमारी प्रार्थनाएं देश हित भगवान को जाएं, मगर जो खाएं इस थाली में इसमें छेद भी कर दें। आप लोग तालियां बजा दीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा। मगर जो खाएं इस थाली में इसमें छेद भी कर दें, जिन्हें भी पाक से हो प्यार पाकिस्तान को जाएं, जिन्हें भी पाक से हो प्यार। और वो शायर क्या क्या करता है, हम कभी लोग क्या करते हैं, वो शायर लोग क्या करते हैं, सुनिएगा। शहीदों की शहादत का सदा यश गान कर, मैं
हम लोग कभी क्या लिखते हैं और वो लोग क्या लिखते हैं, आप लोग सब जानते होंगे, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। शहीदों की शहादत का सदा यश गान लिखती हूँ, शहीदों की शहादत का सदा यश गान लिखती हूँ, मैं अभिनंदन से अभिनंदन का गौरव गान लिखती हूँ, मैं अभिनंदन से अभिनंदन का गौरव गान लिखती हूँ। तुम्हारी लेखनी करती है पूजा तालिबानों की, तुम्हारी लेखनी करती है पूजा तालिबानों की, मैं अपनी लेखनी से सिर्फ हिंदुस्तान लिखती हूँ, मैं अपनी लेखनी से। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं क्या क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, तो चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागतम। जिसके जो मन में आए बोले कैसी मनमानी है, जिसके जो मन में आए बोले कैसी मनमानी है, भाषा हिंदुस्तानी है पर नियत पाकिस्तानी है, भाषा हिंदुस्तानी है पर नियत पाकिस्तानी है, जिसको जो कहना हो कह ले पर अंजाम दिया हमने, हमें पता है शत्रुदलों का काम तमाम किया हमने, जो घर में घुस करके दी है गहरी चोट न भूलेगा। और आपकी तालियां उस स्थान नाम लाती हूँ इसलिए तालियां मांगूंगी, जो घर में घुस करके दी वो गहरी चोट न भूलेगा, जो घर में घुस करके दी है गहरी चोट न भूलेगा, कुछ भी कह लो लेकिन दुश्मन वाला कोट न भूलेगा, कुछ भी कह लो लेकिन दुश्मन वाला कोट न भूलेगा। और लोगों ने कहा कि इस सरकार ने कुछ विकास नहीं किया, ये नहीं किया, पहले की सरकारों ने क्या किया, अब क्या किया, सुनिएगा, आप अंतर खुद समझ जाएंगे। जो अपने बाहुबल में इतना ना जतन ला सके थे, जो अपने बाहुबल में इतना ना जतन ला सके थे, सर्वजीत को भी जिंदा रहते ना बतन ला सके थे, सर्वजीत को भी जिंदा रहते ना बतन ला सके थे, माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया। और इस बार आपकी वो तालियां मांगूंगी जो अब तक आपने ना बजाई हो, एक ऐसा नाम लेकर आपके सामने आऊंगी, उस नाम का सम्मान कर दीजिएगा, पूरी रात हम लोग टीवी के सामने बैठे रहे उस नाम के लिए, सुनिएगा। माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया, माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया, माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया, दो दिन में ही भारत का अभिनंदन लाकर दिखा दिया, दो दिन में ही भारत का अभिनंदन लाकर दिखा दिया। तो ये वो सरकारें हैं अभिनंदन लाने वाली। और मैं दो मिनट का गीत पढ़ के अपना स्थान लेती हूँ, उस गीत का शीर्षक है इनको प्रणाम कर ले आओ, इनका सपना आबाद रहे, सुनिएगा। स्वागत स्वागत व्याख्या। ये मेरी अंतिम प्रस्तुति है और आप लोग विदाई कर दीजिएगा अच्छी तालियों से। 1857 का जब महासमर सरसरा उठा, 1857 का जब महासमर सरसरा उठा, मंगल पांडे की पहली गोली से अंबर थरथरा उठा, मंगल पांडे की पहली गोली से अंबर थरथरा उठा, तात्या टोपे लक्ष्मी बाई कितनों ने ही गोली खाई, दिल्ली के शाह जफर की बूढ़ी तलवारें थी टकराई, भारत के शेर दहाड़ उठे, भारत के शेर दहाड़ उठे, ये क्षण एक अहम पड़ाव के हैं, बोले पेशवा सुनो गोरों हम बेटे बाजीराव के हैं, बोले पेशवा सुनो गोरों हम बेटे बाजीराव के हैं। 57 वाली सफल विजय पर अंग्रेजों को दंभ हुआ, हुआ क्या था उस समय पे, 57 वाली सफल विजय पर अंग्रेजों को दंभ हुआ कि तभी अचानक 85 में पुनः समर प्रारंभ हुआ, अब लाल बाल और पाल संग में गांधी और गोखले थे, अब लाल बाल और पाल संग में गांधी और गोखले थे, अंग्रेजों के मानक विचार पहले से निरे खोखले थे, उस दिवस हुकूमत के सर पर, उस दिवस हुकूमत के सर पर संकट गहरा मंडराया था, उस दिवस हुकूमत के सर पर संकट गहरा मंडराया था, स्वातंत्र वीर सावरकर से पूरा लंदन घबराया था, स्वातंत्र वीर सावरकर से पूरा लंदन घबराया था, इनको प्रणाम कर ले आओ, इनको प्रणाम कर ले आओ, इनका सपना आबाद रहे, इनका वैभव जग में ठहरे, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे।
और अंतिम मन रख के स्थान लेती हूँ आदरणीय रावत जी के को ये श्रद्धांजलि के रूप में पंक्तियां होंगी, सुनिएगा। नेताजी ने आजाद फौजले शंखनाद घन घोर किया, नेताजी ने आजाद फौजले शंखनाद घन घोर किया, जापान जर्मनी रसिया जाकर दुश्मन को कमजोर किया। आजाद भगत सुखदेव और क्रांति के बजे नगाड़े थे, लग जाती होर जवानों में थी फांसी पर चढ़ जाने को। पीठों के ऊपर नहीं अरे, पीठों के ऊपर नहीं अरे, सीनों पर गोली खाने को। टुकड़े टुकड़े मानव शरीर रक्तिम रक्तिम हो गई धरा, लेकिन जो हिंदुस्तानी था बलिदानी तेवर नहीं डरा। ये कथा सुनोगे रो दोगे, और इस अंतिम पंक्ति में आप लोग विदाई की तालियां बजा दीजिएगा। मैं अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा। कुछ कह रहे थे क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कथा सुनोगे रो दोगे, ये कथा सुनोगे रो दोगे, पौरुष का संयम डोलेगा, कतरा कतरा जर्रा जर्रा भारत माँ की जय बोलेगा, कतरा कतरा जर्रा जर्रा भारत माँ की जय बोलेगा। इनको प्रणाम कर ले आओ, इनको प्रणाम कर ले आओ, इनका सपना आबाद रहे, इनका बोधम जग में फैले, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे। बहुत बहुत आभार। एक बार आप दोनों लोग हाथ ऊपर उठा कर दिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंद जय भारत।